This is Ankush from Triple S, and I once again welcome you all in the lecture series on modern history of India. So, modern history of India, may we started with the advent of Europeans. Okay, so in Europeans, we have Portuguese, Dutch, then we had uh, English, then we had. Uh, फ्रेंच ठीक है कि कैसे डेन्स कैसे इंडिया आए और कैसे इन सब ने एक एक करके जो है यहाँ पे अपनी पावर जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की इंडिया में ट्रेड भी किया और पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी हद तक इन्होंने सब ने जो है यहाँ पे इस्टैब्लिश करने की कोशिश की ओके एंड वेरी सुन आई विल बी गेटिंग एम सी क्यूज़ ऑफ दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो भी हमने किया है इसको थरेली इसको अच्छे से आप रीड करिए ठीक है इसको रिवाइज़ करिए देखिए जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ

अब क्या हुआ उसके बाद कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपैंड किया हाउ दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग दैम सेल्स एंड वट वॉज़ अबाउट देयर कंसॉलिडेशन उन्होंने कैसे की ब्रिटिश की पूरी इंडिया में और स्पेसिफ़िकली आज में आज जो है हम इंडिया पूरे इंडिया की बात तो नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे बंगाल की क्योंकि इनका होल्ड जो है ब्रिटिशर्स का बंगाल पे काफ़ी ज़्यादा रहा और देखिए इस टाइम पे जो बंगाल है ना दैट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस हम कह सकते हैं ठीक है इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस ठीक है बहुत बड़ा प्रोविंस था और रिचेस्ट प्रोविंस था इस टाइम पे ओके और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका बंगाल में तो होल्ड बने ही बने वो चाहते थे कि बंगाल में इनका होल्ड बने ओके तो क्या हुआ ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड बैटल ऑफ पलासी टू डे विल सी बैटल ऑफ बक्सर विल सी टू वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स जिन पर एम सी क्यू बन सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है पलासी पे या बक्सर पे तो इसके बारे में आज हम देखेंगे ठीक है तो देखिए हुआ क्या कि Brita मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो बंगाल है इट इज इट वॉज अ वेरी रिच प्रोविंस एंड ऑब्वियसली जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ पर अपना फुट uh, होल्ड अपनी पोलिटिकल पावर hmm. जो है अपना एम्पायर जो है वो स्टेब्लिश करना चाहते थे राइट right? नाउ जो बंगाल है वो एक बड़ा प्रोविंस था ठीक है और इस टाइम पे मुगल एम्पायर के अंडर था ठीक है मुगल एम्परर जो थे जैसे आप लगा लीजिए जो लास्ट जो स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर की मैं बात करूँ तो औरंगजेब थे सेवेंटीन में जो है औरंगज़ेब की डेथ होगी उसके बाद जो है मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया फिर लेटर मुगल्स आए ठीक है जैसे पहले जो है शाह आलम वन आए ठीक है इनके बाद औरंगजेब के बाद तो इतने इंपॉर्टेंट इतने स्ट्रॉन्ग जो हैं वो मुगल एम्परर नहीं रहे खाली एक नाम के एम्परर रहे मैं बोल सकती हूँ एक नाम के एम्पर रहे या चीज़ों को कुछ लीगलाइज करने के लिए कि उनके सिग्नेचर चाहिए कि एम्परर हैं ठीक है अदरवाइज़ कुछ इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड इनका नहीं रहा फाइन ओके बट कुछ हाँ कुछ इनके दीवान थे इनके अंदर कुछ नवाब थे जो कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे अब देखिए इतना बड़ा एम्पायर था एक तो मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा था तो इसको अकेला एम्पर तो संभाल नहीं सकता था तो जितने भी प्रोविंस हैं छोटे छोटे जो रीजनस हैं रीजनल वहाँ पे नवाब्स दीवान्स जो हैं गवर्नर्स के थ्रू जो है ये आ, इन्होंने अपना मतलब पॉलिटिकल अपना एम्पायर इन्होंने सेटअप किया अपना काम चलाते थे राइट अब क्या है कि देखिए अगर मैं मुगल एम्पायर बंगाल प्रोविंस की उस टाइम की बात करूं तो इट इंक्लूडेड जो प्रेजेंट डे दे बांग्लादेश है ओडिशा जो प्रेजेंट डे है ठीक है और मेजर पोर्शन ऑफ बिहार ये सारा किस में इंक्लूड था ये सारा बंगाल में इंक्लूड था देखिए ये मैप के थ्रू मैं आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा जो है ये उस टाइम का प्रोविंस है बंगाल का ठीक है देखिए बिहार का भी कुछ पोर्शन है और बंगाल तो है ही है बंगाल प्रॉपर और उड़ीसा का भी ये सारा जो पार्ट है ये बंगाल का पार्ट तब था ठीक है लेटर हम देखेंगे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी काफी ये तो बाद में हुई कि ये ही रीजन जो है ब्रिटिशर्स ने दिया था कि बहुत बड़ा प्रोविंस है तो ये इतना बड़ा प्रोविंस जो है चलाना काफी मुश्किल है तो इसीलिए बंगाल की पार्टीशन कर देते हैं खैर ये तो बा, काफी बाद में हम देखेंगे ठीक है तो ये जो है बंगाल काफी एक बड़ा प्रोविंस था वी हैड पोर्शन ऑफ बिहार बंगाल प्रॉपर एंड ओरिशा अगेन इन दिस ठीक है तो और जो है बंगाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि जो मेजर पोर्शन जो है जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी ट्रेड ये करते थे जो जाता था वो बंगाल के थ्रू जाता था ठीक है कहा जाता है कि सिक्सटी परसेंट ऑफ दी टोटल ट्रेड ऑफ दी होल एशिया जो भी ईस्टर्न कंट्री से या जो भी पूरे एशिया से जो 60% परसेंट ऑफ द ट्रेड है वो कहाँ से होता था जो जो ब्रिटिशर्स करते थे जो यूरोप में जाता था वो बंगाल के थ्रू होता था भाई पोर्ट था यहाँ पे बंगाल के पोर्ट के थ्रू जो है वो जाता था ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही सब प्रोडक्शन होती थी स्पाइसिस की या सॉल्ट पेपर जो भी यहाँ पे है प्रोडक्शन जो है वो सारी बंगाल में तो नहीं होती थी होती तो अलग अलग मे बी प्रोडक्शन अलग अलग जो है रीजन्स में होती थी इंडिया के लेकिन जो है पोर्ट जो है जहां से जाता था जो माल है और हाँ फर्टाइल एरिया भी था बंगाल का काफी ठीक है काफी फर्टाइल एरिया भी है बंगाल का तो यहां से जो है जो बंगाल का जो एरिया है यहाँ से ट्रेड जाता था तो सिक्सटी परसेंट ऑफ द ट्रेड जो है वो पूरा बंगाल से ही जाता था इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स जो है अपना बंगाल में होल्ड जो है बना के रखें ओके तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, किया यहाँ पे अपनी सेटअप की फैक्ट्रीज जैसे कि बालासोर में की हुगली में पटना में डाका में डाका जो कि प्रेजेंट डे दे, बांग्लादेश में है ठीक है तो जब 1690 आते आते जब 1690 जो ईयर था यहाँ तक आते आते मतलब कि 1700 आने वाला था जो बंगाल है वो ब्रिटिश का मेन कमर्शियल सेटलमेंट जो है वो बन चुका था ओके मेन कमर्शियल सेटलमेंट इनका बन चुका था ये है टेरिटरी जो है मैंने आपको बताया कि ये बंगाल की ये हम देख चुके हैं इसको ठीक है ओके नाउ व्हाट हैपेंड इज अब ये जो थोड़ी सीरीज आप देखिए कि क्या हुआ ठीक है क्या हुआ कि 1700 में व्हाट हैपेंड कि 1700 में उस टाइम पे कौन थे औरंगजेब थे 1700 में एम्पर मुगल मुगल्स के है ना तो 1700 में क्या हुआ मुर्शीद कुली खान थे ठीक है कौन थे मुर्शीद कुली खान थे ये है सेवनटीन में मुर्शीद कुली खान थे ये दीवान बने बंगाल के और काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था इनका बंगाल पे ठीक है और जब औरंगजेब की डेथ होगी सेवनटीन हंड्रेड सेवन में तब भी मुर्शीद कुली खान जो है ये क्या थे दीवान अपॉइंट किए थे औरंगजेब ने कहा के बंगाल के ठीक है अपॉइंट किए थे नवाब नवाब अपॉइंट किए थे बंगाल के और औरंगजेब के टाइम जब औरंगजेब की डेथ होगी सेवनटीन हंड्रेड सेवन में तब भी मुर्शीद कुली खान हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ठीक है टिल जब मुशीद कुली खान की डेथ होगी गई सेवनटीन ट्वेंटी सेवन में ठीक है अब क्या हुआ कुली खान की डेथ के बाद जो है मुर्शीद कुली खान के सन इन लॉ मुर्शीद कुली खान का बेटा भी था लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था थोड़ा वीक माना जाता था उसको तो मुर्शीद कुली खान का जो सन इन लॉ था हु वॉज शुजाउद्दीन ठीक है मुर्शीद मुर्शीदली खान के बाद शुजाउद्दीन जो है इनको जो है नवाब बना दिया गया बंगाल का एंड ही रूल्ड अप टिल 1739 अब शुजाउद्दीन जो है उनका एक सिपाही था ठीक है उनका कॉन्फिडेंट मतलब उनका भरोसे का आदमी था या कह लीजिए काफी स्ट्रांग बंदा था ये अलवर्दी खान कौन था अलवर्दी खान तो इसको जो है क्या किया खैर उस टाइम पे क्या किया शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खान को पहले तो आर्मी का जनरल बना दिया ठीक है 1733 में पहले तो आर्मी का जनरल बनाया उसके बाद उसको बना दिया गया बिहार का? का किसको अलवर्दी खान शुजाउद्दीन शुजा बने अलवर्दी शुजा खान एक आप कह सकते हैं एक सिपाही था या एक उसका भरोसे का बंदा था तो अलवर्दी खान को उसने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ uh, दे दी जैसे उसको डेप्टी सूबेदार बना दिया बिहार का फिर क्या हुआ आफ्टर शुजाउद्दीन सरफराज खान केवल एक साल के लिए एक साल से भी कम टाइम के लिए uh, सरफराज खान जो हैं फिर ये बने नवाब सरफराज खान किसके बेटे थे मुर्शीद कुली खान के जो मैंने आपको बताया कि एक वीक रूलर था वीक आ, मतलब बंदा था सरफराज खान बट ही वॉज द सन ऑफ मुर्शीदुली खान ठीक है तो जो सरफराज खान है weak ruler, खान, although, तो इनको क्या किया फिर सरफराज खान को नवाब बना दिया बंगाल का तो अलवर्दी खान ने कहा कि भाई ये, ये जो सरफराज खान है ये तो इतना वीक है और मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ तो ये क्यों जो है नवाब बने क्यों ना मैं ही नवाब बन जाऊं तो फिर अलवरदी खान ने क्या किया ही सरफराज खान इन दी बैटल ऑफ गिरिया खैर बैटल ऑफ गिरिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है छोटी सी बैटल है सेवनटीन में हुई थी तो अलवर्दी खान ने क्या किया है किल्ड सरफराज खान और खुद जो है गद्दी पे बैठ गया अब जो है नवाब कौन था बंगाल का ही वॉज अलवर्दी खान ओके नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ एंड खान अलवर्दीज वेरी स्ट्रांग ठीक है काफी स्ट्रांग था बंगाल को इसने स्ट्रांग uh, एक सपोर्ट दिया और ब्रिटिशर्स uh, का भी इसने थोड़ा मतलब ब्रिटिशर्स के साथ भी थोड़ा एडमेंट था ठीक है थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था इस टाइम पे माहौल नाउ आफ्टर अलवर्दी खान डेथ अलवर्दी खान की डेथ हुई ठीक है अब फिर अलवर्दी खान का जो ग्रैंड सन है सिराजुद्दीन दौला अब यहां से जो है बैटल ऑफ प्लासिक की कहानी स्टार्ट होती है ठीक है बेसिकली तो सिराजुद्दीन दौला जो है ये बन गए अब नवाब ऑफ बंगाल हु वॉज ग्रैंड सन ऑफ अलवर्दी खान ओके okay? तो सिराजुद्दीन दौला जो है ये बन गए जी नवाब ऑफ बंगाल ओके okay? अब सिराजुद्दीन दौला ने कहा कि भाई अब देखिए हमने मैंने आपको बताया था कि जब हमने ब्रिटिश का पढ़ा था तो फारूक सियार मैंने कहा था कि सतारह सौ सतारह में लगभग ठीक है सेवनटीन फिफ्टी टू सेवनटीन सेवनटीन में इसने क्या किया था फारूक सियाार ने एक फरमान जो है जिसको मैग्ना काटा भी कहा जाता है पढ़ा था ना फरमान दिया था तीन फरमान दिए थे ब्रिटिशर्स को और उनका जो है सारा जो टैक्स वगैरह सारा जो उन पर सब माफ़ कर दिया था उनको ठीक है उनको दस्तक इशू कर दिए थे कि भाई आप दस्तक इशू कर सकते हो अपने क्वाइंस इशू कर सकते हो तो ग्रेट कंसेशन फ़ारूक सिया गेव ग्रेट कंसेशन टू दिस टू ब्रिटिशर्स राइट ये हमने किया था अब सिराजुद्दीन दौला के टाइम तक ये सब चलता आ रहा था ब्रिटिशर्स जो थे अपनी अपनी मर्जी से दस्तक वगैरह इशू करते थे और जो टैक्स इन पे कोई था नहीं ठीक है कोई मतलब कोई ड्यूटी नहीं थी ऐसा सच ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे तो काफी ज़्यादा जो है कंसेशन जो है ब्रिटिशर्स अभी मतलब इंजॉय कर रहे थे तो सिराजुद्दीन दोला ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा ठीक है ऐसा करके कि बंगाल जो है ये तो मतलब डूब जाएगा हमारा बंगाल जो है सरकारी जो खजाना है वो तो खत्म हो जाएगा जो भी है हमारा ठीक है तो ये तो गलत बात है तो फिर सिराजुद्दीन दौला ने क्या किया अब यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों थे राइट तो फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों को कहा सिराजुद्दीन दौला ने कि भाई आप जो हैं पहले तो आप अपनी जो भी अब आप कोई नए फोर्ट्स नहीं बनाएंगे उसने कहा भाई ये क्या ये क्या है कोई भी फोर्ट बना रहा है यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा उसने मना कर दिया कि भाई आप ये फोर्टिफिकेशन वगैरह बंद कर दो और टैक्सेस भी आप देना शुरू करो टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और फोर्टिफिकेशन भी बंद करनी पड़ेगी फ्रेंच तो मान गए फ्रेंच कहते हैं कि भाई ठीक है ठीक है ऑलरेडी कर्नाटिक वॉर के थ्रू बहुत बेचारे मतलब ऐसे ही काफ़ी सैड थे ठीक है काफी इनकी मतलब हालत ख़राब थी तो फ्रेंच तो मान गए लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो नहीं माने ब्रिटिश नहीं माने ब्रिटिश कहते कि भाई ऐसा ऐसा कैसे हम तो नहीं मानते ये बात ठीक है तो ब्रिटिश डिंट एग्री विद सिराजुद्दीन दौला ब्रिटिशर्स नहीं माने तो लेकिन फाइनली फिर जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो सिराजुद्दीन दौला ने क्या किया अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पे किस पे अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पे ओके फोर्ट विलियम कहां पे है बंगाल में है ईस्टर्न प्रेसिडेंसी थी ये ब्रिटिश की मैंने बताया था फोर्ट विलियम का एक बार आपको फोर्ट विलियम मैं दिखा देती हूं हमने वोट फोर्ट विलियम हमने किया था कि इट वाज इम्पॉर्टेंट ठीक है फोर्ट विलियम ये रहा फोर्ट विलियम मैंने आपको बताया था कि जो फोर्ट विलियम है ये सुतनती विलेज जब ये कलकत्ता जो है फॉर्म हुआ था ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता शहर की एक uh, स्थापना की थी यू कैन से नींव रखी थी राइट तो फोर्ट विलियम जो है इस टाइम पे बना था जिसको ईस्ट uh, मतलब इसको फोर्टिफाई किया था इन्होंने फोर्ट विलियम को बंगाल में बनाया था जिसको सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी भी बाद में बनाया ब्रिटिशर्स ने राइट तो जो फोर्ट विलियम है ठीक है फोर्ट विलियम जो है यहां पे अटैक कर दिया किसने सिराजुद्दीन दौला ने ओके और अटैक तो किया ही किया साथ में इसको फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में भी ले लिया ठीक है इस फोर्ट को ओके अब जो इंग्लिश मैन थे यहां पे वो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे ठीक है वो घबरा गए वो सब भागने लगे इधर उधर भागने लगे तो बाकी तो सब भाग गए और जो बच गए कोई लगभग कहा जाता है वन फोर्टी इंग्लिश मैन थे लगभग ठीक है वन फोर्टी फाइव इंग्लिश मैन थे जिनको पकड़ लिया गया और एक छोटा सा रूम था एक छोटा सा गार्ड रूम था जहां पर उन सबको बंदी बना लिया गया ठीक है इस सिराजुद्दीन दौला की जो आर्मी थी उसने इनको बंदी बना लिया और जब कहा जाता है कि फिर सफोकेशन की वजह से वो गार्ड रूम इतना छोटा था कि काफी लोग जो हैं वो वो उनकी डेथ हो गई थी मेनी पीपल डाइड ओनली ट्वेंटी थ्री ऑफ देम सर्वाइव्ड ऐसा कहा जाता है ठीक है कि सिर्फ ट्वेंटी थ्री ऑफ द ब्रिटिश मैन सारे जिसमें कहा जाता है विमेन भी थी और बच्चे भी थे ऐसा कहा जाता है तो ट्वेंटी थ्री ऑफ दैम ओनली सर्वाइव एंड बाकी जो है वो सारे मर गए ड्यू टू सफोकेशन ठीक है में से और इसी को इन फेमस हमारी हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजडी के नाम से जाना जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी बट सम ऑफ द हिस्टोरियन से कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ था ठीक है ये ब्लैक होल ट्रेजडी जो है ये नहीं थी ये रियलिटी नहीं थी ऐसा ही बुक्स में लिखा गया है कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि हाँ ब्लैक होल ट्रेजडी तो हुई थी बट इतने सारे लोग नहीं मरे थे काफी कम जो है आ, मतलब लोग लोगों की डेथ हुई थी काफी कम लोगों की डेथ हुई थी तो खैर ये रही ब्लैक होल ट्रेजेडी जो सिराजुद्दीन दौला के टेन्योर में हुई ड्यू टू जब उन्होंने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया और यहां पे बंदी बना लिया ब्रिटिशर्स को और चो, छोटे से कमरे में उन सबको बंद कर दिया तो ड्यू टू सफोकेशन मे बी दे डाइड तो जिसकी वजह से उसको इन फेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है ठीक है ओके नो वॉट हैपन जो इंग्लिश अब जो बच गए थे जो फोर्ट विलियम अब जो बाकी बच गए वो सब कहा पहुंचे वो पहुंचे रॉबर्ट क्लाइव के के पास बड़ा ही खतरनाक बंदा था ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक ठीक है वेरी क्लेवर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश गवर्नर ठीक है तो ये था रॉबर्ट क्लाइव ये कहाँ था ये बैठा हुआ था मद्रास में कार्नाटिक रीजन में ठीक है मद्रास में ये गए इसके पास रॉबर्ट क्लाइव के पास इन्होंने इसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे सुराजुद्दीन दौला ने हम पे अटैक कर दिया तो फिर क्या हुआ फाइनली वॉट हैपन्ड कि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ये कहता है कि ऐसे कैसे अभी मैं बताता हूँ मजा सिराजुद्दीन दौला को देन ही केम टू बंगॉल अलॉन्ग विथ थ्री हंड्रेड सोल्जर्स एंड सिराजु सिराजुद्दीन दौला जो है ठीक है ही वॉज डिफीटेड सिराजुद्दीन दौला वॉज डिफीटेड और फिर क्या साइन हुई फाइनली ट्रीटी ऑफ अली नगर ठीक है सिराजुद्दीन दौला जो है यहाँ पे डिफीट हो गया रॉबर्ट क्लाइव से ओके okay? और फिर जो है ट्रीटी साइन हुई कौन सी जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ अली नगर पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड जिसमें कि फोर्ट विलियम जो है ये वापिस दे दिया गया किसको इंग्लिश को वापस दे दिया गया ठीक है ओके okay. अब जो है क्या हुआ ब्रिटिशर्स अब अब क्या हुआ ये जो ट्रीटी जो साइन हुई थी ना ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ओके okay? ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें क्या हुआ इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब उनको जो है टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी था कि वो टैक्स नहीं देते थे ठीक है फारूक सर के फरमान के अकॉर्डिंगली फिर से यही हुआ सिराजुद्दीन दौला जो है वो मान गया वो कहता है कि ठीक है जी अब जो है कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को और उनको जो फोर्ट विलियम जो कैप्चर किया था सिराजुद्दीन दौला ने वो भी उसको वापस कर दिया ओके लेकिन अब क्या हुआ रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि सिराजुद्दीन दौला ने इतना बड़ा ब्लैक होल ट्रेजिडी हो गई थी ठीक है तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब मैं इस सिराजुद्दीन दौला को नवाब तो नहीं रहने दूंगा बंगाल का तो वट हैपन्ड फिर क्या हुआ कि इन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया लालच देना शुरू किया किसको मीर जाफर को मीर जाफर जो है वो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दीन दौला का कमांडर इन चीफ भी था वो सिराजुद्दीन दौला का ठीक है तो इसने क्या किया मीर जाफर को क्या करना स्टार्ट किया ब्राइब देना स्टार्ट किया ब्राइब क्या दिया उसने कहा कि भाई अगर सिराजुद्दीन दौला को हम हटा देते हैं तो मैं तुम्हें जो है मीर जाफर तुम्हें मैं क्या कर दूंगा बंगाल का नवाब बना दूंगा रॉबर्ट क्लाइव ने इसको ये कहा प्लस कुछ उसके कोर्ट कोर्ट में कुछ और भी लोग थे सिराजुद्दीन दौला के कोर्ट में ठीक है जो कि मतलब उससे आ, उसको पसंद नहीं करते थे सिराजुद्दीन दौला को ठीक है उसके अगेंस्ट थे ऐसा होता है कि आप मतलब सारे लोग तो आपके फेवर में होते नहीं है ना कई लोग आपके अगेंस्ट होते हैं कई फेवर में होते हैं तो ये कुछ लोग थे जो कि इसके कोर्ट में थे सिराजुद्दीन दौला के कोर्ट में नवाब के कोर्ट में और इसके अगेंस्ट थे जैसे कि राय दुर्लभ था एक बिजनेसमैन था ओमी चंद था जगत सेठ था एक बैंकर था ठीक है तो इन सबको भी इसने अपने साथ मिला लिया रॉबर्ट क्लाइव ने एक तो मीर जाफर को मिलाया मिलाया जो इनका कमांडर चीफ था इसका और राय दुर्लभ को ओमी चंद को जगत सेठ को एक कुछ लोग थे जिस जिनको रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ जो है मिला लिया और फिर अटैक किया किसके ऊपर और फिर अटैक किया सिराजुद्दीन दौला के ऊपर ठीक है लेकिन उससे पहले क्या किया ब्रिटिशर्स ने क्या किया सबसे पहले जो है अटैक किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के चंदर नगौर जो बेंगो ठीक है चंदर नगौर इनकी फैक्ट्री थी चंदर नगौर में ठीक है बंगाल में उसके ऊपर जो है अटैक किया ठीक है ब्रिटिशर्स ने तो सिराजुद्दीन दौला जो के फ्रेंच जो है थोड़े बहुत सिराजुद्दीन दौला के फेवर में थे तो सिराजुद्दीन दौला ने बोला कि भाई ये क्या बात है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्यों सिराजुद्दीन दौला को गुस्सा आया कि भाई फ्रेंच ये जो ब्रिटिशर्स हैं अपनी मनमानी

ठीक है कि पलासी जो है 1757 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ पलासी ओके देन फाइनली दिस बैटल ऑफ पलासी वाज फॉर्ट नियर कलकत्ता इन 1757 ओके okay? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है विद दी हेल्प ऑफ मीर जाफर ठीक है ही किल्ड सिराजुद्दीन दौला सिराजुद्दीन दौला जो नवाब थे बंगाल के उनको मार दिया गया और मीर जाफर को क्या कर दिया गया नवाब जो है बंगाल का बना दिया गया बट ऑल दो वॉज अ पपेट नवाब ठीक है वो पपेट था इंग्लिश इंग्लिश के हाथों की कटपुतली था जैसे वो कहते थे वैसे ही करता था नाउ एज एग्रीमेंट मीर जाफर जो कि अब नवाब बन चुका था बंगाल का उसने क्या किया टू सैटिस्फाई द ब्रिटिशर्स और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जमींदारी दे दी ऑफ ट्वेंटी फोर पर गनाज मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस की जमींदारी उनको दे दी ठीक है और बैटल ऑफ पलासीन फिफ्टी सेवन डेट याद रखना बैटल ऑफ पलासी जो है इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिटिकल पावर जो है वो बन गई इनटू ट्रेड एंड कमर्स इन बंगाल ओके तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे जो है फाइनल जो था ऑफ दिस बैटल ऑफ पलासी वो बताया है यहां पर डिफीट कर दिया इनफैक्ट किल कर दिया किसको सिराजुद्दीन दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे और फाइनली फिर नवाब ऑफ बंगाल किसको बनाया मीर जाफर को बनाया ओके एंड दिस इज कि क्या कैसा रहा कि सबसे पहले आए जी कुली खान ठीक है कुली खान जो है सेवनटीन में बने नवाब ऑफ बंगाल ही अ स्ट्रॉन्ग रूलर ठीक है उसके बाद आए शुजाउद्दीन ठीक है शुजाउद्दीन जो है ये सन इन लॉ थे किसके मुर्शीदली खान के शुजाउद्दीन के बाद शुजाउद्दीन के बाद अलवर्दी खान जो है ये नवाब तो नहीं बना पहले अलवरदी खान को आ, क्या किया इसने शुजाउद्दीन ने आ, एक इसको डेपटी सूबेदार बना दिया बिहार प्रोविंस का ठीक है उसके बाद आया सरफराज खान ठीक है सरफराज खान जो है ही वॉज सन ऑफ दिस मुर्शीदुली खान ओके एंड बट ही वॉज़ वेरी वीक एंड ही रूल्ड फॉर सम मंथ्स ऑफ अ वन ईयर ठीक है उसके बाद अलवरदी खान ने क्या किया ही किल्ड सरफराज खान एंड ही बिकेम दीवान ऑफ बंगाल बाय हिमसेल्फ़ ठीक है आफ्टर दैट अलवर्दी खान का ग्रैंड सन आया सिराजुद्दीन दौलाजुद्दीन दौला के साथ हुई फिर बैटल ऑफ पलासी रॉबर्ट क्लाइव के साथ ठीक है ब्रिटिशर्स के साइड पे रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे प्लस मीर जाफर थे जो कि सिराजुद्दीन दौला के ही कमांडर थे धोखा दिया यू कैन से मीर जाफर ने सिराजुद्दीन दौला को और फाइनली सिराजुद्दीन दौला को मार दिया इन बैटल ऑफ पलासीवेंटी

कि इनकी जो डिमांड्स थे ब्रिटिशर्स की वो बढ़ती ही जा रही थी बढ़ती ही जा रही थी तो जिस वजह से जो मीर जाफर है वो बहुत परेशान था ब्रिटिशर्स से वो चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि मैं ब्रिटिशर्स से हम छुटकारा पा लें बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे उनकी काफ़ी डिमांड जो हैं वो बढ़ती ही जा रही थी ठीक है तो देन वॉट हैपन देन वॉट हैपन कि जो मीर जाफर है वो गया डच ईस्ट इंडिया के पास हमें पता है डच भी यहाँ पे थे ठीक है डच के पास गया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पे और यहाँ बंगाल से उनको हटा देते हैं तो डच कहते हैं कि ठीक है जी ट्राई कर लेते हैं ठीक है तो डच को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो बंगाल फ्री हो जाएगा ब्रिटिशर्स से तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे राइट तो डच जो है बट जो डच हैं, दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन इन बैटल बैटल ऑफ ऑफ 1759 कलकत्ता। की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मैंने आपको बताया था जिसको बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिंसुरा 1759 में हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया था ठीक है ये हम ऑलरेडी डच में डिस्कस कर चुके हैं ओके ना वट हैं उन्होंने क्या किया कि किसको बना दिया ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मीर कासिम जो कि सन इन लॉ था मीर जाफर को उसको नवाब बना दिया बंगाल का क्योंकि जो मीर जाफर है अब वो तो पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि ये मीर जाफर तो हमारे अगेंस्ट हो गया है तो मीर जाफर का ही सन इन लॉ था मीर कासिम इसको बना दिया बंगाल का नवाब ठीक है अब स्टार्टिंग में क्या हुआ जो मीर जाफर ये जो था मीर कासिम था मीर कासिम था इसने तो पहले डिमांड्स वगैरह फुलफिल करना स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स की करता था बट लेटर जो है मीर कासिम एज़ जैसे मीर जाफर के साथ हुआ वैसे मीर कासिम के साथ भी हुआ कि ब्रिटिशर्स की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस थी इतनी ज़्यादा डिमांड्स थी कि मीर कासिम भी फ्रस्ट्रेट हो गया फाइनली मीर जाफर के साथ और कह रहा था कि कुछ तो ऐसा हो कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से भाग जाएँ या बंगाल छोड़ के चले जाएँ तो मीर कासिम ने क्या किया फिर सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपनी जो कैपिटल है ना वो शिफ्ट की मुर्शिदाबाद में थी पहली कैपिटल ठीक है बंगाल की इसकी इसके प्रोविंस की मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दी मुंगेर में ठीक है मुंगेर जो है बिहार में था अब ये क्यों किया उसने ताकि कुछ डिस्टेंस तो हो वो चाहता था कि कुछ मैं थोड़ा दूरी पर रहूँ ब्रिटिश ब्रिटिश से ताकि थोड़ी इंटरफेरेंस उनकी कम हो और मुझे कुछ सोचने का भी मौका मिले राइट देन उसने क्या किया मुंगेर में अपनी जो कैपिटल है उसे शिफ्ट कर लिया उसके बाद क्या किया कि उसने कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स हायर किए और अपनी आर्मी को ट्रेन करवाया मीर कासिम ने उसके बाद मीर कासिम ने एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया जिससे जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गए काफ़ी नाराज़ हो गए मीर कासिम से देखिए हो रहा क्या था कि मीर की ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये ट्रेड करते थे और कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे ठीक है तो ये मतलब फ्रीली जो है ट्रेड कर रहे थे और तो प्रॉफिट कमाए जा रहे थे लेकिन जो यहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स हैं वो तो पे करते थे टैक्स लोकल ट्रेडर्स जो हैं टैक्स पे करते थे जिसकी वजह से लोकल ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा था और ब्रिटिशर्स जो है अमीर बनते जा रहे थे और लोकल ट्रेडर्स का कुछ बन नहीं रहा था ठीक है ना मीर कासिम एज ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल अब सोचना तो उसको सबको था लोकल ट्रेडर्स भी मीर कासिम के पास जाके बोलते थे कि भाई हम जो है नुकसान फेस कर रहे हैं अब एज अ नवाब उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी लोकल ट्रेडर्स का भी सोचने के लिए तो मीर कासिम ने क्या किया सबके लिए उसने मीर कासिम ने सोचा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो खुद तो टैक्स तो पे करेंगे नहीं अगर मैं बोल दूंगा कि मैं ये रूल बना दूंगा कि भाई ब्रिटिशर्स को भी अब से टैक्स पे करना है तो वो तो टैक्स पे करेंगे नहीं तो मैं क्या करता हूं सबके लिए टैक्स फ्री कर देता हूँ ट्रेड सबके लिए तो उसने क्या किया लोकल ट्रेडर्स जो थे उनके लिए भी जो है जीरो मतलब टैक्स जो है इनको भी कंसेशन उतनी ही दे दी जितनी ब्रिटिशर्स uh, को ऑलरेडी थी तो इससे जो है ब्रिटिशर्स को काफी गुस्सा आया वो बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है तो फाइनली जो है जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ रहा था मीर कासिम के ऊपर कि भाई उसने सबके लिए लोकल ट्रेडर्स के लिए भी जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनके लिए भी जो है टैक्स uh, कैंसिल कर दिया हमारी तरह ठीक है देन फाइनली जो मीर कासिम है उसने हेल्प ली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसने हेल्प ली किसकी एक तो शुजाउद्दोला की शुजाउ जो कि नवाब थे अवध के ठीक है अवध के नवाब थे शुजाउद्दोला इंपॉर्टेंट पर्सन ठीक है इसको रिमेंबर याद रखना और मुग़ल एम्परर शाह आलम टू लेटर मुगल्स में ठीक है शाह आलम टू थे मुग़ल एम्परर ठीक है इन दोनों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और फिर क्या हुआ फाइनली अटैक किया ब्रिटिशर्स के ऊपर ठीक है और ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर सेवनटीन सिक्सटी फोर में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुई बिहार के पास ये जो ट्रिपल अलायंस है यानी कि एक तरफ मीर कासिम था जो कि नवाब था बंगाल का शुजा उदौला था जो कि नवाब था अवध का और ख़ुद एम्परर था एम्पर मतलब पूरी इंडिया का मान लीजिए मुग़ल सल्तनत का मान लीजिए मुग़ल एम्पर था शाह आलम टू ये ट्रिपल अलायंस इनकी जो थी ये तीन जो तीन की जो अलायंस बनी थी दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश फोर्सेस बाय मेजर हेक्टर म्यूनरो ठीक है तो मेजर हेक्टर म्यूनो आए थे उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो है छुट्टियां मनाने रॉबर्ट क्लाइव वापस जो है ब्रिटिश चले गए थे कुछ टाइम के लिए फिर वापस आ गए थे ठीक है तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज एन ब्रिटिश एट दैट टाइम और जो है बागडोर फिर अब किसके हाथ में आ गई थी मिनरो के हाथ में तो ही मेजर मेजर बोल लीजिए पूरा नाम था तो मेजर हैक्टर उसके कमांड में फिर क्या हुआ ब्रिटिशर्स जीत गए ब्रिटिशर्स ने इन ट्रिपल अलायंस को हरा दिया ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ मीर कासिम जो है कहीं डिसअपेयर हो गया था कहा जाता है कि मीर कासिम जो अवध में जाके छुप गया ठीक है मुगल एम्पर शाह आलम और शाह आलम टू मुग़ल एम्प्रेस शाह आलम टू और अवध के जो नवाब थे शुजाउला इनको दोनों को सरेंडर करना पड़ा राइट तो ये थी बैटल ऑफ बक्सर विच हैपन इन 1764 याद रखिएगा ठीक है ओके अब क्या हुआ ये जो बैटल थी बक्सर की थी तो छोटी सी ही लड़ाई है कुछ छोटी सी लड़ाई थी लेकिन ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी ब्रिटिशर्स को काफ़ी बेनिफिट देगी और बंगाल में जो कि नवाब के थ्रू एक पपेट नवाब रख के जो कि कर रहे थे मतलब पॉलिटिकल पावर जो है चला रहे थे ठीक है ब्रिटिशर्स अब उसकी भी जरूरत नहीं थी अब ब्रिटिशर्स जो है डायरेक्ट रूल कर सकते थे अब एक नवाब की भी इनको जरूरत फील नहीं हुई ठीक है ओके नाउ दी सी दी बैटल रिजल्टेड इन द ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद अब क्या हुआ ये जो बैटल जब बैटल ऑफ बक्सा जब खत्म हुई तो उसके बाद ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई ऑगस्ट सेवनटीन सिक्सटी में ठीक है

उसको नजरबंद कर लिया ब्रिटिशर्स ने देखिए बहुत बड़ी बात थी कि जो पूरा मुगल एम्पर है पूरी सल्तनत के जो एम्पर है उसको ही नजरबंद कर लिया वही हार गया तो दिस वॉज अ बिग विक्ट्री फॉर ब्रिटिशर्स क्योंकि इस टाइम पे छोटे छोटे नवाब इन्वॉल्व नहीं थे वो तो इन्वॉल्व थे ही नवाब तो इन्वॉल्व थे ही लेकिन मेजर चीज ये थी कि पूरा का पूरा मतलब एम्पर जो है इतने बड़े जो मुगल एम्पर हैं ऑल लेटर मुगल्स में आते हैं वीक थे लेकिन एम्परर तो थे ना तो एम्परर को ही जो है एम्परर ही हार चुके थे और एम्परर को अब इन्होंने अपने नजरबंद कर लिया अब देखिए नजरबंद क्यों कर लिया ही एक्टेड एज अ रबर स्टैंप है ना एम्परर उनके कब्जे में है रबर स्टैंप की तरह वो एक्ट करेगा एम्परर कहीं पर भी मोहर लगवा देंगे फरमान फर, कोई भी फरमान लीगलाइज करवा लेंगे ब्रिटिश अपनी मर्जी से अब एम्परर उनके कब्जे में है, जो भी ब्रिटिश बोलेंगे एम्परर को वो मानना पड़ेगा राइट और जब एम्परर ने हाँ कर दी तो आप लगा लीजिए कि वो लीगलाइज होगी कोई भी चीज राइट तो उसको एम्परर को जो है अपने कब्जे में ले लिया ठीक है और वेरी इंपॉर्टेंट

एज निज़ामत फंक्शन निज़ामत फंक्शन मतलब मिलिट्री डिफेंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो एम्पर थे ठीक है जो भी मतलब जो भी मतलब बंगाल का जो खजाना है आप लगा लीजिए शा, शाही खजाना जिसको कह सकते हैं उसमें से जो है रुपीज ट्वेंटी फाइव सॉरी फिफ्टी थ्री लैख जो है वो देने पड़े फॉर दी कंपनी इन रिटर्न ऑफ निज़ाम निज़ामत फंक्शन ठीक है ओके अब ये जो बैटल थी देखिए इसके इसकी वजह से क्या हुआ आफ्टर दैट वट हैपन्ड 1764 में ये में बैटल हुई खत्म हो गई ठीक है फिर 1765 में नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए मीर जाफर को फिर से जो है नवाब बनाया गया था बंगाल के लिए उसके बाद मीर जाफर का जो बेटा था ठीक है नजम उद्दौला ठीक है वो बनाया गया नवाब बनाया गया बंगाल का नवाब मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया काम सारा ब्रिटिशर्स ही चलते थे काम सारा मतलब रूल रेगुलेशन सारे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली ही होते थे नवाब सिर्फ नाम का था एक बंदा था दिखाने के लिए ठीक है हवा वह जो रियल पावर है दैट वॉज वेस्टेड विद ब्रिटिशर्स ओनली ठीक है तो ये जो नजाम उद दौला जो है ही साइन अ ट्रिटी विद द कंपनी फाइनली उसने एक ट्रिटी जो है साइन की कंपनी के साथ जिसकी वजह जिससे क्या हुआ वो एक टाइटल्ड पेंशनर बन गया उसको कुछ पेंशन मिल जाती थी ठीक है नजमुद्दौला को खैर इसकी पेंशन तो

जो कि नवाब थे बंगाल के शुजाउला जो कि नवाब थे अवध के और शाह आलम टू जो कि एम्पर थे मुगल एम्परर थे उस टाइम पे ठीक है तो ये रहा बैटल ऑफ पलासी जो है इट लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और अगर बैटल ऑफ बक्सर की बात करें ठीक है ब्रिटिशर्स मास्टर्स ऑफ बंगाल मास्टर्स ऑफ बंगाल बिहार ओरिसा जो कि पूरा बंगाल प्रोविंस ही था ठीक है और इनको जो है पावर बना दिया ब्रिटिशर्स को नॉर्दर्न इंडिया की ठीक है इसने बैटल ऑफ एज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर ओके तो ये रहा सारी कहानी जो थी बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर की ओके तो एक क्विक रिविजन जो है हम कर लेते हैं फटाफट से क्या हुआ था कि देखिए बंगाल जो है वो रिचेस्ट प्रोविंस था तो सबसे पहले जो है बेंगाल देखिए आपने इतना याद रखना है इसमें बैटल ऑफ पलासी में बैटल ऑफ पलासी में इतना याद रखना है कि सिराजुद्दौला थे ठीक है सिराजुद्दौला थे सिराजुद्दौला जो थे वो थे नवाब ठीक है बंगाल के तो सिराजुद्दीन दौला जो हैं उनके कोर्ट में ही था मीर जाफर जो कि इनका कमांडर इन चीफ था मीर जाफर जामिला साथ, के साथ किसके साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ ब्रिटिशर्स के साथ और तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अटैक किया सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला जो कि सन इन लॉ सॉरी ब्रदर इन लॉ थे ठीक है ब्रदिन भी नहीं थे ग्रैंड सन थे ठीक है ग्रैंड सन थे सॉरी अलवर्दी खान के सिराजुद्दौला तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया ठीक है किसने मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने ओके तो ये रहा ये हुआ था कब ट्वेंटी थर्ड जून ये डेट याद रखिएगा ट्वेंटी थर्ड जून सेवनटीन फिफ्टी सेवन में हुई आपकी बैटल ऑफ पलासली ठीक है ये याद रखिएगा ओके ऑलराइट right. फिर उसके बाद क्या हुआ मीर जाफर को बना दिया क्या मीर जाफर बन गया नवाब उसके बाद लेकिन मीर जाफर जो है वो तंग पड़ रहा था ब्रिटिशर्स से ब्रिटिशर्स का डिमांड जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी तो मीर जाफर जो है फिर क्या क्या हुआ मीर जाफर को हटा के जो है कौन बन गया नवाब मीर कासिम ठीक है मीर कासिम लेकिन जो मीर कासिम था वो तो नवाब बना ब्रिटिशर्स का लेकिन वो भी इरिटेट हो रहा था ब्रिटिशर्स से ड्यू टू तो द इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू तो द इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस तो मीर कासिम ने अबॉलिश कर दिया था टैक्स लोकल ट्रेडर्स के ऊपर भी काफी नाराज किया ब्रिटिशर्स को ठीक है तो फिर फाइनली क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर हुई किस किस के बीच में मीर कासिम के बीच में मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल देन वी हैड सुजा उदौला नवाब ऑफ अवध एंड वी हैड शाह आलम टू शाह आलम टू ही वॉज मुगल एम्पर ठीक है और ये तीनों जो हैं ये डिफीट हो गए ओके ये तीनों जो हैं ये डिफीट हो गए थे पलासी और कुछ सालों के बाद 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर ओके और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुई ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई कब अगस्त 1765 में सेवन में हुई बक्सर और 65 में जो है ये ट्रीटी साइन हुई जिसमें जो काफी ज्यादा राइट्स और जो है वो मिल गए बंगाल को राइट्स छोड़िए पूरा बंगाल ही ब्रिटिशर्स को मिल गया ठीक है दीवानी मिल गई इनको राइट टू कलेक्ट टैक्स जो है वो मिल गया देखिए कलेक्ट जो टैक्स जो है कौन कलेक्ट करता है अथॉरिटी कलेक्ट करती है सुप्रीम अथॉरिटी पॉलिटिकल पौल्टी, पावर जो होती है उसी टाइम पे वही कलेक्ट करती है तो बंगाल बिहार ओडिशा जो पूरा प्रोविंस था उसकी पूरी दीवानी जो है वो किसको मिल गई वो मिल गई किनको ब्रिटिशर्स को और जो शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे वो भी आप कह सकते हैं वर्चुअली इम्प्रिजन कर दिया उनको नजरबंद कर दिया एक टाइप का ठीक है तो एम्परर जो है नज़रबंद हो गए तो ये जो है सारा ब्रिटिशर्स का रहा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी जो है ये बंगाल में जो सबसे बड़, जो काफी बड़ा जो काफ़ी बड़ा प्रोविंस था यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है सुप्रीमेसी क्रिएट की ओके तो इसके बाद क्या हुआ फिर सेवनटीन के बाद की क्या हिस्ट्री है ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओके तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से And uh, take care, have a good day, uh, see you in the next lecture. Thank you.